ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमीग्रेशन सर्विसेज तो हमेशा की तरह कोशिश लगातार बनी हुई है तुहानूं इंपॉर्टेंट चीज़ां दे नाल जोड़ के रखना, और बहुत जरूरी भी है जुड़ के रहना, क्योंकि अदरवाइज बहुत सारिया गलतियां बच्चे ऐसे लिए कर लेंगे ने जो चीज़ों ध्यान ना समझते नहीं या उन्होंने चीज़ों की नॉलेज नहीं होंगी। यही चीज़ा तुहानूं कई बार फ्रॉड वाले पासे भी लै जांदियां ने, और कई बार तुसीं बहुत वधिया अपरचुनिटीज़ अपनी लाइफ गवा बैठते हो जो तुसीं अपने फ्यूचर या भविख के बारे अवेयर नहीं होंगे। सो ऐसे मकसद नाल अज दे शो नूं भी आपां ऐड ऑन करांगे उस चीज़ दे विच। सो अज दी जिहड़ी गल रहूगी उन्हां बच्चियां नूं रहूगी जिहड़े 65% इंग्लिश या 60% ओवरऑल वालियां कंडीशनां यूके दे लई फुलफिल नहीं कर पा रहे, उन्हां दी की हल होणगे, की सल्यूशन होणगे। सो अज दा टॉपिक यही रहेगा। उस तों पहलां मेरी रिक्वेस्ट रहूगी आप सब नूं कि तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ताकि हर इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नाल तुसीं जुड़े रहो। सो अज दा जिहड़ा अहम मुद्दा हैगा कि वह बच्चे जिहड़े 65% की कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहे, सो उन्हां लई की है। सो उन्हां नूं मैं दस दिंदा जी, हुण कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी बैचलर डिग्री प्रोग्राम 4 साल का कर दिता है, क्योंकि नवें रूल्स आ रहे सी। सो फाउंडेशन प्रोग्राम्स नूं हुण प्रॉपरली ऑफिशियल चैनल दे विच लै आंदा। सो क्योंकि नवें रूल्स दे विच उन्हां नूं प्रॉपर दसना पैना है कि इंग्लिश असैसमेंट किद्दां कीती है, किद्दां बच्चे दी इंग्लिश चैक हुई है, उहदे वी 4-5 तरीके ने जिहड़े उन्हां नूं मीट करने पैंदे। सो इत्थे हुण यूनिवर्सिटीज़ ने उस हिसाब नाल काम शुरू कर दिता है, और उहदे नाल ही ब्रॉडवे ने भी तुहानूं अपडेट करन दी जिहड़ी जिम्मेवारी चक्की हुई है उहदे उत्ते असीं आ गए। सो जनवरी इनटेक या कोई बच्चा तो शायद सितंबर भी लै सके, बट वो डिपेंड करेगा कि वह किन्ना का रेडी है, मतलब वो फंड्स की सिचुएशन नू लैके या वो इंग्लिश की प्रैपरेशन नू लैके, वो सारिया चीज़ा मैटर करनगी। सो इतने मैं दस दिना कि चाहे जनवरी चाहे सितंबर इनटेक आ, तुसी जिहड़े बच्चे जिन्हां दे 60% नहीं है इंग्लिश के ओवरऑल या 65% इंग्लिश के नहीं गए या 60% ओवरऑल नहीं गए प्लस टू वाले बच्चों के, तो उन्होंने फाउंडेशन प्रोग्राम यानी कि हुण 4 साल की डिग्री मिलेगी। अगे 3 साल की मिलती है जिन्हों को होंगे, जिन्हों को नहीं गए उन्हों की 4 साल का डिग्री प्रोग्राम रहेगा। वो सेम वीज़ा रहेगा, कास्ट लैटर इकट्ठा आऊगा, टाइम नाल वो जा सकेंगे। यह अपरचुनिटी जिहड़ी मेरी रिकमेंडेशन है कि जो भी तुसीं अपरचुनिटी नूं ग्रैब करना है, इनू मैं 4 महीने शो नूं एडवांस जनवरी लिए इसलिए बना रहा, क्योंकि जनवरी पहली तो बाद अगर फाइल लगती है तो नवे रूल अप्लाई होंगे ने, और जनवरी पहली तो अगर पहला फाइल लगती है तो अपने तो हुण वाले रूल अप्लाई होंगे। सो अगर आप अज तैयारी करके चलोंगे तो आप ज़्यादा सौखे रहेंगे, फाइल नूं टाइम नाल नवंबर दिसंबर च एम्बेसी च पहुँचा सकेंगे। ऐसे कमिटमेंट के नाल असी यूनिवर्सिटीज़ नाल गलबात की हुई है कि असी सानू जिहड़े कास ने नवंबर च चाहिए होणगे, और जनवरी दीयां क्लासां होणगीयां तां बच्चा टाइमली पुराने रूल्स दे अंदर अपना वीज़ा सिक्योर कर चुका होगा। सो इहदे उत्ते एप्लीकेशनस असीं कल तो लैणियां शुरू कर रहे हैं। सो जिहड़े भी दोस्त इहदे अंदर रजिस्टर्ड होना चाहुंदे हो, साडी टीम नाल ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कर सकते। इहदे विच डेफिनेटली तुहानूं एक टैलीफोनिक इंटरव्यू दे थ्रू यूनिवर्सिटी दे नाल निकलना पै सकदा। सो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि इह ज़्यादातर बच्चा उही पार्टीसपेट करे जिहड़ा किते ना किते स्पोकन इंग्लिश उहदी स्ट्रोंग होवे, मतलब वो इंग्लिश च एक गलबात जरूर कर सकदा हो। अगर इहदी मिनिमम रिक्वायरमेंट की गल करिए उहते 50% ही चाहिए है, पर 50% बोल के मैं शो नूं हाईलाइट नहीं करना चाहता, ता ही ना मैं ना इहदे स्टार्टिंग च लिखिया कि 50% वालियां लई एडमिशन खुल गई, क्योंकि एडमिशन जरूर उन्हां लई खुल गई है, बट मैं इहनूं लैके चलूँगा कि जिहड़े 65 ते नहीं सी जा सकते उन्हां चों जिहड़े 55, 57, 58, 59 किते भी रह गए ने, वह बच्चे इस अपरचुनिटी हुण ग्रैब कर सकते हैं, अपना वीज़ा लै सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश उन्हां दी अच्छी होनी जरूरी है ताकि वह अपनियां इंटरव्यूज़ नूं क्रैक कर सकन। इंटरव्यू की तैयारी भी असीं तां ही करवा सकांगे अगर तुसीं टाइम सिर अपनियां एप्लीकेशन साडे नाल शुरू कीतियां होणगीयां। जिहड़े नॉर्मल बच्चे भी ने उन्हां नूं भी मैं एडवाइस करूँगा कि जनवरी इनटेक दीयां फाइल्स दे या एडमिशन, अगर तुसीं जनवरी इनटेक भी जाना चाहते हो तो हुण तो प्रोसैस शुरू कर लो। साडा एडमिशन डिपार्टमेंट हुण ऑलमोस्ट फ्री हो गया न्यू एडमिशन तो सितंबर तो, बहुत घट हुण विच केसिस आ रहे हैं, बट स्टिल रेगूलर आ रहे हैं, क्योंकि हजे भी कई यूनिवर्सिटियां दीयां क्लासां अक्टूबर च स्टार्ट हो रही ने। सो सितंबर लई भी रिक्रूट कर रहे हैं, जिहदा सितंबर हो सकूगा डेफिनेटली उहदा सितंबर करांगे, नहीं तो नवी एडमिशन जनवरी लई हुण स्टार्ट कर लो। मेरी एडवाइस तुहानूं यही रहेगी, उहदा कारण है कि जिहड़ी तुहाडी फाइल है वह पुराने रूल के तहत ही लग जाए, अज वाले रूल के तहत ही लग जाए, 1 जनवरी तो पहला पहला वो फाइल एम्बेसी जरूर चले जाए। सो इन्हां चीज़ां नूं नोट कर लो। जिहड़े बच्चे ज़्यादा इंग्लिश वीक होणगे उन्हां नूं आयल्स का स्कोर चाहिए हो सकता है,
और उहदी रिक्वायरमेंट अगर आपां 4 साल दे डिग्री प्रोग्राम च जाने आ तां सिर्फ 5 बैंड ओवरऑल दी है। सो उह वी बच्चे तैयारी कर सकते ने, ऑनलाइन आल्स दे थ्रू तुसीं उहदी कोचिंग लै सकते हो। ब्रॉडवे दी ए टू ई अकैडमी भी तुहानूं उहदे च हैल्प करदी है, बाकी भी तुसीं जिथों कोचिंग लैणा चाहो तुसीं लै सकते हो। लेकिन ऑनलाइन क्लासिस लगाउण लई तुहाडे कोल लैपटॉप, डैस्कटॉप या एक स्मार्ट टीवी दा होना जरूरी है, अदरवाइज़ चंगे तरीके नाल चंगी क्वालिटी च क्लास नहीं लग सकेगी और 5 बैंड कोई बहुत वड्डा स्कोर नहीं हुंदा अचीव करना। सो बहुत सारे बच्चे अपना सपना जिहड़ा हैगा पूरा कर सकते हैं, जिहड़े अज तक सिर्फ आ सोचते सी कि शायद साडे कोल सिंगापुर या साइप्रस ऑप्शन रह गई है, पर आ बच्चे अगर नवंबर च या अक्टूबर च मेरे कोल आणगे तां शायद मैं इहनां लई मेहनत ना कर सकां, क्योंकि अज असीं मेहनत कर सकते हैं। हुण असीं सितंबर दीआं एडमिशनां ते उन्ने ज़्यादा बिजी नहीं गे, सो इधर टाइम और एनर्जी तुहाडे उत्ते फोकस असीं ला सकते हैं, बट उदों शायद फिर इन्ना रश हो जाएगा नवे बच्चों का कि ना कर सकी। सो मेरी एडवाइस है कि अपनी एप्लीकेशनस नूं टाइम नाल ब्रॉडवे दे नाल इनिशिएट जरूर कर लो। थैंक यू, सत श्री अकाल, अज दे लई, और फिर मिलांगे नवे अपडेट्स नाल। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।